सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई नो लुक चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम व्लॉग कर रहे हैं। लाइक इट्स बिन, याद भी नहीं आ रहा है कितने दिन पहले व्लॉग किया था एंड ऐसे व्लॉग किया था, क्योंकि लास्ट टाइम व्लॉग था वो था सिनेमैटिक वाला। तो दिस व्लॉग इज़ गॉन बी ऑल बक 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 बक, मेरी बक बक ही सुनने वाले हो आप, तो तैयार रहिए बक बक सुनने के लिए। बाय द वे, मेरे शेड्स कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। आई नो कैसे लग रहे हैं, मुझे पता है कैसे लग रहे हैं, पर आप बताना। सो आज है 30 मई जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बज चुके हैं 11:53, 7 मिनट में 31 मई होने वाला, एंड फिर होगा 1 जून। और आप वीडियो देख रहे हो, ये ब्लॉग देख रहे हो 1 जून को। तो 1 जून एक ऐसी आइकॉनिक डेट है, बिकॉज जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको पता होगा कि हाफ ऑफ द महाराष्ट्र का बर्थडे रहता है 1 जून को, यानी आज के दिन। इसलिए जो ओल्ड लोग हैं उनका बर्थडे रहता है, और कुछ और भी लोग होंगे लाइक यंग एंड समथिंग। सो उसके पीछे का रीज़न आपको पता नहीं होगा तो बता दूँ, तो अगर उनको बर्थडे याद नहीं रहता था उनका जब वो स्कूल जाते थे, तब उनके स्कूल के इसमें लिखा जाता था 1 जून को बर्थडे, क्योंकि बिकॉज स्कूल कुछ तो तब चालू होते थे, लाइक टर्म तब से चालू होता था, इसलिए 1 जून को। तो एवरी 1 जून क्लब वाले बर्थडे वालों को मेरी तरफ से अलॉट ऑफ विशेस एंड हैप्पी बर्थडे, एन्जॉय योर डे। तो अब ज्ञान की बातें बहुत हो चुकी है, आई थिंक आप पक चुके होंगे। तो अभी बजने वाले 12, और मुझे एक बहुत ही बड़ा टास्क करना है। सो अभी मैंने जैसे कहा, नहीं कहा क्या, मैं 2 तारीख को कहीं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑफिशियली 3 तारीख से वो ट्रैवलिंग चालू होगी। ज्ञान की बातें भी हो गई, बकवास की भी बातें हो गई, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो 2 तारीख को आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, एंड समवेयर यानी एक बहुत ही नई जगह, एंड दिस टाइम विथ माई फैमिली, नॉट विथ माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है नहीं इतने, तब भी हम इंट्रोवर्ट है, तब भी है एक दो फ्रेंड्स, उनके साथ हम कर लेते हैं ट्रैवल। आपने अगर पहले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो हाईली रिकमेंड, जाके देख लो। बट वो डिफरेंट कंटेंट था, अब डिफरेंट कंटेंट आने वाला है, क्योंकि अब मैं बकबक करने वाला हूँ। नाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम एक्सट्रोवर्ट। सो यस, ट्रैवल करना है। सो मेन थिंग व्हाट यू रिक्वायर्ड इन ट्रैवलिंग इज, या शेड्स आर रिक्वायर्ड, देन योर सेल्फ, खुद नहीं होंगे तो क्या ट्रैवल करोगे, एंड क्लोथ्स। और क्लोथ्स को आप किस चीज़ों में लेके जाते हो, बैग्स में। तो बैग्स तो है, अभी उन्हें पैक करना है। वैसे गॉगल का बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि जब मैं ऐसे लाइक विदाउट गॉगल्स देखता हूँ तो मुझे कैमरा की ओर देखना पड़ता है, और अगर मैंने खुद को देखा तो आपको लगेगा कि मैं किसी और को देख रहा हूँ, लाइक आपके पर्सपेक्टिव से। बट अगर मैं गॉगल पहन लूँ तो किसी को कुछ घंटा समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, कैमरा को लाइक लेंस को देख रहा हूँ या खुद को देख रहा हूँ। बट इंसेप्शन होता है ना इसमें, लाइक मेरे गॉगल्स, सनग्लासेस भी नहीं कह सकते हम, रात में पहने वो भी घर के अंदर, इट्स अ डिफरेंट थिंग। नाइट गॉगल्स के अंदर आप देख सकते हो मेरा ब्लॉग, इट्स इंसेप्शन थिंग। आई गेस बहुत ज़्यादा पागलबंदी हो रही है, अब सच में चालू करते हैं काम अपना। दो बैग्स में लेने वाला हूँ, लाइक सिर्फ मेरे कपड़े एंड मेरे स्टफ्स इन दो बैग्स में रहेंगे। ये बैग जाएगी चेक इन के लिए एयरपोर्ट पे, एंड ये मैं अपने साथ लूँगा लाइक एयरपोर्ट के अंदर, केबिन, लाइक क्या कहते हैं उसे, केबिन बैगेज टाइप, क्योंकि पावर बैंक है, और पावर बैंक अगर आपको नहीं पता तो चेक इन बैगेज में अलाउड नहीं है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ऑलवेज कीप योर पावर बैंक इन योर लाइक केबिन बैगेज, जो आप साथ में लेके जाओगे प्लेन में, मतलब आपके साथ। एंड ये है सारे कपड़े जो मैं लेके जा रहा हूँ। तो दिस इज़ माय लाइक एयरपोर्ट लुक वाला जो आउटफिट है, आउटफिट ऑफ द नाइट होगा वो। देन दिस आर द पैंट्स, ये है हाफ पैंट, लाइक 3/4 टाइप ऑफ थिंग जो बीच पे हम पहनते हैं। एक और हिंट मैंने दे दी, जान क्या हो रहा है मेरे साथ, रहने दो।
वहाँ स्विमिंग करने के लिए भी दो पैंट्स, अभी बीच है तो स्विमिंग तो करेंगे ही, तो दो पैंट उसके लिए, ये चिलिंग के लिए है। देन वी हैव वन स्वेट शर्ट, फिर चार टी शर्ट्स एंड शर्ट्स। शर्ट्स ऐसे मैं पहनने वाला हूँ, मतलब उसके अंदर टी शर्ट्स एंड उसके ऊपर शर्ट्स, तो वो दो लिए मैंने। एंड तो फटाफट अभी सब सामान इस बैग में भरना चालू करते हैं। सो अभी तो ऊपर ऊपर से पैक हो चुकी है, एंड अभी नाइट ड्रेसेस आएंगे, इतने लिए लेने वाला, लाइक 3 तक ठीक ही होंगे। और उस बैग में भी जगह रहेगी तो उसमें भी डाल सकता हूँ। 7 kg कुछ रहता है उस बैगेज का वेट, और 21 kg का, इतना भी ये भारी नहीं होने वाला क्योंकि क्लोथ्स बहुत हल्के हैं। एंड शूज़ जाने वाले हैं, सो पहन के मैं ये जाने वाला हूँ, ये जॉर्डन्स, एंड ये शूज़ मैं वहाँ पे पहनूंगा बिकॉज़ ये हर जगह नहीं पहन के घूम सकता भाई, ख़राब हो गए तो बहुत बुरा लगता है ये। एंड इन शूज़ को अभी लाइक पैक करना होगा, आई एम थिंकिंग कि इन्हें मैं यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी जगह है। एंड ये स्लीपर जो मैंने पहनी है वो भी मुझे लेके जाना है क्योंकि वो जगह पे पहनने का मौका मिल सकता है। इस चार्जर को भी डालना है बैग में, स्लीपर में उस बैग में भी ले सकता हूँ, इट्स अ ग्रेट चॉइस। मोस्टली आई एम पैक्ड आई गेस। अभी जो लास्ट मोमेंट जो पैकिंग होती है वो तो जाने के दिन में होती है, लाइक 2 तारीख को मैं करूँगा, तो वो हम अगले व्लॉग में देखेंगे। जो व्लॉग में आपको डेस्टिनेशन पता चलेगी, मुंबई टू XYZ, एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज इट्स गोना बी फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग द, बहुत बार बोल चुका हूँ बट या एक्साइटमेंट में बोल रहा हूँ। सो वेट करना उस व्लॉग के लिए। और ये सिर्फ ऐसे ही बक बक पैकिंग उसके लिए ब्लॉग बनाया था, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, एंड ये तो आपसे बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। अब ट्राई करूँगा रेगुलर रहने का, एंड कुछ शूट्स भी करने आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द प्लेस आई एम ट्रैवलिंग। सो लेट्स सी यू, बाय बाय।